हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन यम्मी एंड हेल्दी। मैं इंदु जैन स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपनी रसोई यम्मी एंड हेल्दी में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है, बाज़ार से भी नहीं ला सकते और घर में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी हो तो क्या करें, तो क्यों ना ये सुंदर से दिखने वाले पेड़े हम घर पर ही बना लें, है ना एक अच्छा आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ली हमने एक पैन, इसके अंदर हमने डाला है 1 टेबल स्पून करीबन घी। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। ये 1 कप मिल्क पाउडर है, डेयरी वाइटनर नहीं। डेयरी वाइटनर का प्रयोग करने से हमारे पेड़े अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए हमें मिल्क पाउडर ही लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पिसी हुई शुगर। आप चाहे तो इसमें मोटी वाली शुगर भी डाल सकते हैं, मैंने महीन शुगर का ही प्रयोग कर लिया है। और इसके बाद मैं इन्हें अच्छा से मिला लूँगी। इन्हें मिलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप करीबन दूध। दूध की मात्रा आप कम या ज़्यादा अपने अनुकूल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे क्रीमी टेक्सचर देने के लिए दूध का प्रयोग 1 कप कर रही हूँ। वैसे दूध 1/2 कप भी हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा ये। और ये केसरिया पेड़े बना रही हूँ तो मैंने कुछ केसर थोड़ी देर पहले भिगो के रखी थी, उसका प्रयोग मैं कर लेती हूँ। केसर का रंग बड़ा सुंदर आया है ना। अरे भाई, केसरिया पेड़े बना रहे हैं तो केसर की मात्रा तो अच्छी होनी ही पड़ेगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा आना पड़ेगा, तभी तो अच्छा लगेगा। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेते हैं अच्छा से। अभी तक मैंने गैस ऑन नहीं की है, मैं थोड़ा सा मिला लेती हूँ उसके बाद गैस को ऑन करती हूँ। वैसे आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले मिला लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए, थोड़ा मिलाने के बाद मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने गैस ऑन कर दी और अब मैं इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाऊंगी। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमारा स्टेपुला 1 मिनट के लिए भी ना रुके, क्योंकि अगर हमने इसे अच्छी तरह से नहीं चलाया तो हो सकता है कि ये हमारे नीचे कढ़ाई में या साइड में लग जाए। अरे भाई, दूध है, दूध का तो टेंडेंसी होता है फटाफट नीचे लग जाने का, इसलिए हमें इस बात का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कंटिन्यूसली इसको चलाते रहें और साइड से भी जहाँ जहाँ कहीं लगा हुआ हो वहाँ से इसको उतारते रहें। हम इसे बीच में नहीं रोक सकते। हाँ, साथ में हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई लम्प्स हो तो भी हम उसको मिटा दें। वैसे लम्प्स रहेंगे नहीं, इसकी कोई चिंता नहीं है। हम इसे चलाते हुए पकाते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये एक गाढ़े डो में कन्वर्ट हो रहा है। गैस की आँच आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कैसे भी रख सकते हैं, उतनी ही रखें जितने कि आप कंटिन्यूसली इसको हिलाने में किसी प्रकार की दिक्कत न महसूस करें। इसको पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में आप देखेंगे कि एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है। हो गया ना ये हमारा डो तैयार, पर अभी हम रोकेंगे नहीं, अभी हम इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें लगेगा कि हाँ, यह अच्छा से कढ़ाई छोड़ करके पेड़े की शक्ल लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, ये जो नीचे बेल का आइकन है उसे दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक ही पहुँचे। तो देखिए, ये हमारा डो टाइट होते जा रहा है और अब ये पूरा पक कर के तैयार है। मैंने गैस बंद कर दी है और अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद हम आगे पेड़े बनाएंगे। ये डो ठंडा हो गया है, मैंने इसे एक प्लेट में डाल लिया था। अब मैं हाथों को थोड़ा सा चिकना करके इसके गोले बना लेती हूँ। पेड़े की साइज़ आप मोटी या छोटी या जिस आकार की भी चाहे रख सकते हैं। मैं एक बार गोल बना के सारे रख लेती हूँ और उसके बाद इसे फिर पेड़े के रूप में डेकोरेट कर दूँगी।
तो आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार मैं गोले बना रही हूँ, आप भी इसी प्रकार कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हाथों को थोड़ा चिकना कर सकते हैं। वैसे हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम डो को अच्छा से पकाएं। जितना अच्छा से हमारा डो पका हुआ रहेगा उतना ही अच्छा हमारा पेड़ा बनके तैयार होगा। अब देखिए, मैंने इसके पेड़े की शक्ल देनी शुरू कर दी है और मैं थोड़ी देर में इसे डेकोरेट भी कर दूँगी हल्के पिस्तों से, जैसे बाज़ार में मिलते हैं वैसे ही। तो देखिए, ये हमारे पेड़े तैयार हो रहे हैं, देखने में लग रहे हैं ना बड़े सुंदर। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट कीजिए कि कैसे बने। मुझे तो इंतज़ार रहेगा आपसे सुनने का कि अच्छे बने कि नहीं बने। वैसे तो अच्छे बन नहीं हैं, फिर भी आप भी एक बार बना के ज़रूर देखिए। देखिए ये कितने सुंदर दिख रहे हैं, मन चल रहा है ना खाने को, तो फिर देरी किस बात की, आप भी बनाइए इसे घर में।